आदाब नाजरीन, में हूँ ताहिरा और आप देख रहे हैं टीआरके न्यूज। एक बेहद ही अफसोसनाक खबर सिकंदराबाद श्रीनगर से निकल के सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक 27 साल नौजवान जो कि काफ़ी समय से एक मर्ज में मुबतला था, आज जब उनकी हालत ख़राब होने लगी तो उनके फैमिली मेंबर्स ने उनको SMHS मुंतकिल करने का सोचा, पर जैसे ही वो सिकंदराबाद से SMHS की तरफ रवाना हुए, उनको रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला, ट्रैफिक की वजह से जो वो शख्स है 27 साल जो नौजवान है जिनका नाम जहांगीर अहमद बताया जा रहा है, जहांगीर अहमद ने ट्रैफिक की वजह से अपनी जान गंवा दी। जहांगीर अहमद के फैमिली मेंबर्स का ये कहना है कि अगर आज उनको रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिलता तो हो सकता है कि शायद जहांगीर अहमद की जान जो है वो बच सकती थी। हालांकि जो सिकंदराबाद की जो पुलिस है उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश की कि वो जो ट्रैफिक है उसको क्लियर कर सके और जो जहांगीर अहमद है उनको वो हॉस्पिटल तक पहुँचने में मदद कर सके, जो कि उन्होंने किया भी, पर फिर भी हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उनको देर हो गई और जहांगीर अहमद ने आज ट्रैफिक की वजह से जो है वो अपनी जान गंवा दी। जो वहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने पुलिस से ये अपील की है कि जो ये ट्रैफिक है आप इसको देखा करें, ताकि जो आज ये हादसा, अफसोसनाक हादसा जो सिकंदराबाद में हुआ है, जिसकी वजह से जो 27 साल नौजवान है जिसका नाम जहांगीर अहमद बताया जा रहा है, जिसने अपनी जान गंवा दी, तो आइंदा से जो है इसके बाद ऐसा कोई भी हादसा ना हो जिसकी वजह से जो है किसी भी मासूम की जो है वो ट्रैफिक की वजह से कोई मासूम जो है वो अपनी जान गंवा दे। बाकी की क्या कुछ अपडेट्स रहती है इस मामले को लेकर या क्या कुछ अपडेट्स रहती हैं वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हिना शबीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए टीआर।